वेलकम बैक त्रिशति क्लासेस। अब हम नेक्स्ट टॉप पार्ट पे चलते हैं। दिस इज पार्ट टू ऑफ किनशिप कास्ट एंड क्लास हिस्ट्री चैप्टर थ्री बुक वन। लेट्स स्टार्ट। तो हम पढ़ेंगे सोशल डिफरेंस। हमने क्या पढ़ा था, जाति की इन सब के बारे में पढ़ा था। पढ़ेंगे सोशल डिफरेंस। इसमें एक बात याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त नाम का चैप्टर है, पुरुष सूक्त। उसमें आपको 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। 4 वर्णों के बारे में बताया, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस पुरुष सूक्त में क्या बताया गया है, ये ब्रह्मा है, यानी गॉड मान लीजिए, ऑल माइट या ब्रह्मा है, और उस ब्रह्मा के ये गॉड है, समझ लीजिए। हाँ, ये ब्रह्मा है जो इस ब्रह्मा के हेड से जो बनी है उन्हें कहते हैं ब्राह्मण। जो इसकी भुजाओं से, यानी इसके आर्म से जो बनी है उन्हें कहते हैं हम क्षत्रियास, और जो इसकी थाईज से बनी है, थाईज यानी पिंडली, उन्हें कहते हैं वैश्या, और जो इनकी फीट से बनी है उन्हें कहते हैं शूद्र। यानी जो ब्राह्मण होगा वो सबसे सुपीरियर होगा, क्षत्रिय होगा वो थोड़ा बॉडी बिल्डर होगा, शक्तिशाली होगा, वैश्य होगा थोड़ा कमजोर होगा, शूद्र होगा वो सबसे नीच जाति मानी जाती है, सबसे नीचा पीपल का माना जाता है। लेकिन पहले ये किसी जन्म के आधार पे बेस्ड नहीं थे सारे वर्ण, ये थे वर्ग के हिसाब से। यानी जो वेदों को पढ़ेगा, जो यज्ञ कराएगा, जो रिसीव और लेगा गिफ्ट्स को, से वो होगा ब्राह्मण। वो चाहे कोई से भी वर्ण का हो, जिन्हें कि ब्राह्मण का बेटा है ब्राह्मण बने, या क्षत्रिय का बेटा है क्षत्रिय बने, यह जरूरी नहीं था पहले। और सेम जो वॉरफेयर में एंगेज रहेगा, पीपल को बचाता रहेगा, वेदों को पढ़ेगा, जस्टिस बनाता रहेगा और गिफ्ट्स बनाएगा, वो थे क्षत्रियास। लेकिन ये नहीं था कि जो जन्म से क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, ये जन्म पे नहीं था, ये था वर्ग के हिसाब से। जो ब्राह्मण वो वेद पढ़ेगा, लेकिन बाद में टाइम चेंज होता गया, हम जो मेन थिंग्स वो भूल गए और ये सोच लिया कि ये बर्थ के ऊपर बेस्ड है, ना कि वर्क के ऊपर बेस्ड। तो तब से अवधारणा बन गई कि जो राजा का बेटा है राजा बनेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था जब ये डिराइव हुए थे चारों फॉर्म्स। तो ये आपके 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और एज वेल एज 8 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको 1 मार्क्स में तो पुरुषोक्ता समझाना पड़ेगा, पुरुषोक्ता कहाँ से है, उसका मीनिंग क्या है पुरुषोक्ता का। तो ब्राह्मण के वर्ग क्या कहते हैं, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करना, गिफ्ट लेना देना, क्षत्रिय वॉर पे एंगेज रहेंगे, पीपल को बचाएंगे, अपनी प्रजा को बचाएंगे, और राजा होगा जस्टिस को करेगा, वेदों को पढ़ेगा। यहाँ पे फ्रेंड गलती हुई, ये टॉट होगा, टीच होगा, टीच है, ठीक है, टीच स्टडी नहीं है, स्टडी इनके साथ होगा और गिफ्ट देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वैश्य। वैश्य 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, एग्रीकल्चर, किसान, पैसोलिस्ट और ट्रेडर्स। इन 3 को वैश्य कहा जाता है। शूद्र कौन होते हैं, जो इन 1, 2, 3 यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करते, उन्हें कहते हैं शूद्रास। अब क्या ब्राह्मण ने कह दिया ये बात मान ली जाती थी, नहीं। एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है 8 मार्क्स के लिए और एज 3 मार्क्स के लिए बनता है, वो था कि ब्राह्मण ने क्या किया था। पहला कि किंग को एडवाइस करते थे ब्राह्मण, किंग को एडवाइस करते थे ब्राह्मण, वो किंग से कहते थे कि अपनी जाति में रहें, अपनी प्रजा में ये सब होना ही चाहिए। दूसरा क्या था, ब्राह्मण ने कहा था कि ये सब डिवाइन है, ये भगवान ने दिया है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि ये हेड से ब्राह्मण हुए हैं, थाई से, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान ने ही किया है, हमने डिवाइड नहीं किया है। तो ये कुछ इसके 2 नॉर्म्स थे जो ये राजा से कहते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड बाय एवरीवेयर। ब्राह्मणिकल जो नॉर्म्स थे, जो उनके थॉट्स थे, वो फॉलो नहीं होते थे एवरी हर जगह। इसका हम लेते हैं कि नॉन क्षत्रिय किंग्स, पहला पॉइंट है, ये 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन मेरे मंथली टेस्ट में, मेरे हाफ ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणिकल नॉर्म से वो हर जगह फॉलो नहीं होते थे। पहला है नॉन क्षत्रिय किंग्स, वेदों के अनुसार, सॉरी धर्मशास्त्र के अनुसार कहा गया कि जो क्षत्रिय ही राजा बनेगा, लेकिन हमें कुछ ऐसे राजाओं की, ऐसे डायनेस्टी में जो क्षत्रिय नहीं थे। पहला है मौर्य,
मौर्य लोग थे वो थे नीच जाति के थे, लो ओरिजिन के थे, लेकिन ब्राह्म जो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या गया है कि जो ये मौर्य से ये क्षत्रिया थे, और लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते हैं ये लो ओरिजिन के थे। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है, तो आप समझिए कि बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट है अशोका मौर्य, अशोका मौर्य ने बुद्धिस्ट को बहुत जगह फैलाया था, तो क्या बुद्धिस्ट लोग अपने राजा को नीची जाति का बताएंगे? नहीं बताएंगे, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन ये बात से दो चीजें कि मौर्य नीची जाति के थे। दूसरा, मौर्य के बाद आते हैं शुंग और कनवाज, ये ब्राह्मण से दोनों के दोनों। इससे यह पता चलता है कि ब्राह्मण जो हर कोई वहां पे अथॉरिटी अपनी राजा बनना चाहता था, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, पाना चाहता था सुपीरियर पार्टी यानी सुपीरियर पोजीशन पाना चाहता था। दूसरा है शक रूलर्स, ये विदेशी लोग थे, ये इंडिया के लोग नहीं थे शक रूलर्स, लेकिन बाद में ये इंडिया में ईसा रंग गए कि उन्होंने हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत सारा काम किया था, जैसे हमने कुशाणा लोगों के बारे में पढ़ा था वैसे शक लोग थे। शक लोगों को मलेच्छ कहा गया, मलेच्छ राक्षस ब्राह्मणों द्वारा, मलेच्छ का मतलब क्या होता है, जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता हो, जो संस्कृत नहीं बोलता उसे मलेच्छ कहते हैं। लेकिन हमें रुद्रदामन, एक फेमस रूलर रहे हैं शकरानी से, रुद्रदामन उनका एग्जाम्पल मिलता है, जिन्होंने सुंदरबन ये एक लेक बनाया था, सुंदर लेक बनाया था, जो संस्कृत उसकी जो इंस्क्रिप्ट है वो संस्कृत में लिखी गई है। इसके अलावा एक और सतवाहना, सतवाहना कौन होते हैं, सतवाहना भी डायनेस्टी बहुत फेमस डायनेस्टी रह चुकी है। तो एक गलती हो गई, जो उन्होंने बनाया था रुद्रदामन ने सुदर्शना लेक बनाया था, सुदर्शना लेक, सुंदर लेक ने सुदर्शना लेक बनाया था। सतवाहना लोग थे, ये ब्राह्मण थे, ये एका ब्राह्मण कहते हैं, इन्होंने अपनी मदर का सरनेम अडॉप्ट किया था, अपने फादर सरनेम अडॉप्ट नहीं किया था। जैसे एक इनके फेमस रूलर हैं श्री सतकर्णी, श्री गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी मदर का नाम था, श्री गौतमी पुत्र सतकर्णी इनके रूलर का नाम है, गौतमी पुत्र, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये क्षत्रिया की प्राइड को कम करना चाहेंगे, क्षत्रिय थे उनकी प्राइड को, उनके घमंड को हटा देंगे। फिर है दूसरा पॉइंट जातीज, अब हमने कहा कि चार वर्णा थे, चार वर्णा क्या सभी चार वर्णा में आते हैं, जो जंगल में फिर जो जंगल में थे उन्हें आप कौन से वर्ण में रखोगे, ब्राह्मण तो नहीं होंगे ना, क्षत्रिय होंगे वो ना, वैश्य होंगे ना, शूद्र रहेंगे, तो जो जंगल में आदिवासी थे उन्हें कहते हैं निषाद। यहाँ पे एक लव्य और गुरु द्रोण का पिक्चर है, एक लव्य थे ये निषाद थे जो जंगल में घूमते थे, और स्वर्ण का जो सोना बनाता हो उससे आप कौन से रखोगे, वैश्य, ट्रेडर, स्वर्ण का ट्रेडर तो नहीं होता। तो इससे ब्राह्मण ने फर्दर डिवाइड किया वर्णा को जातियों में, और ये जाति था ये था बर्थ के बेस पे, ये कर्म के बेस पे नहीं, ये था बर्थ के बेस पे। तो आपको बताया था कि गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा क्यों नहीं दी थी, क्योंकि वो निषाद का था, निषाद था। ये गलत बात है कि वो ये सोच रहे थे कि ये अर्जुन धनुर्धर ना बन जाए, अर्जुन श्रेष्ठ बना जाए, ये गलत बात है, लेकिन हिस्ट्री में बताया गया कि जो निषाद था इसने शिक्षा नहीं दी थी। दूसरा एक क्षत्रिय वाणिक, वाणिक जो ये टर्म होती है ट्रेडर्स के यूज होती है, लेकिन वाणिक लोग थे, इन्होंने क्षत्रिय का काम किया था यानी दही राजा बने थे, तो इसलिए। और एक बुक का नाम है जिसमें इनकी कहानी मिलती है, उसका नाम मरीच खट्टिका, ये शुदारका ने लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है वन मास के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ एक्सोगेमी। हमने एक्सोगेमी क्या कहा था कि एक ही वर्ण में शादी नहीं होना, एक कुल में एक गोत्र में शादी ना होना, ये था। एग्जाम्पल क्या है, भीम और हिंडीबा, भीम कौन था, क्षत्रिय, और हिंडीबा कौन थी, राक्षसी। तो ये तो दोनों का कुल मैच नहीं हो रहा है, एक क्षत्रिय और राक्षसी तो मैच नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं एक्सोगमी। ये तो ब्राह्मणों के खिलाफ था, ब्राह्मण तो इसे मानते नहीं थे, सेम बात होगी। फिर दूसरा है पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि एक ही शादी होनी चाहिए। पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगनी, पॉलीएंड्री, पॉलीगनी आपको मैंने बताया था, पॉलीगनी होता है जिसमें एक मैन की सिविल वाइफ हो। एग्जाम्पल देना अर्जुन, और अर्जुन की एग्जाम्पल अर्जुना किससे मैच करिए, सुभद्रा और द्रौपदी से। पॉलीएंड्री में एक एक वुमेन की सेवरल हस्बैंड से द्रौपदी। फिर प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिलिनी, मैट्रिलिनी यानी माँ के द्वारा संपत्ति ट्रांसफर होना,
डिसेंट टू मदर। इसमें आप सत्वाना लोगों का एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो उन्होंने अपनी मदर का सर अडॉप्ट किया था, एग्जाम्पल गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। और आप पॉलीएंट्री में भी सत्वाना लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हो, उन्होंने बहुत सारी पॉलीएंट्री मैरिज की थी, सॉरी पॉलीगैमी मैरिज की थी। फिर लैंड ग्रैंट बाय ह्यूमन, आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वो धर्मशास्त्र अनुसार सिर्फ मैन ही लैंड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रभावती कुमारी गुप्ता के नाम से आपने वुमेन का नाम सुना जिसने लैंड ग्रांट की थी। इसके अलावा हमें एक नेक्स्ट टॉपिक है वेल्थ एक्वायरिंग फॉर 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें मनुस्मृति में बताया कि किस प्रकार एक मैन और एक वुमेन अपने वो ले सकते हैं, अपने पैसे कमा सकते हैं। तो मैन के लिए 7 काम बताए गए, वुमेन के लिए 6 काम बताए गए हैं। इसमें आप ये याद कीजिए, इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, परचेज, कॉन्क्वेस्ट, रीइन्वेस्टमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल, यानी ढूंढ के, चोरी करके, खरीद कर, किसी से कॉन्क्वेस्ट एंड जीत कर, इन्वेस्टमेंट करके, किसी को कोई गिफ्ट दे रहा है गुड पीपल, तो उससे ले सकते हैं। और वुमेन का क्या था, डॉवरी से, इसका जो उसे फाइ यानी जो शादी के टाइम उसे जो मिला उससे ले सकती थी, अपने ब्रदर मदर फादर से जो उसे मिला है वो ले सकती थी, और अपने किसी से द्वारा गिफ्ट मिला उससे वो पैसे कमा सकती थी, और अपने हस्बैंड से संपत्ति जिससे गिफ्ट ले वो पैसे कमा सकती थी एक वुमन। तो वुमन के लिए 6 है और मैन के लिए 7 है। और आपको 3 मार्क्स में तो आपको लिखना पड़ेगा, मनुस्मृति से हमें ये पता चलता है कि हमें वो मैन के 7 प्रकार हैं और वो 7 प्रकार से अपने पैसे इकट्ठा कर सकता है, धन कमा सकता है, वो मैन का 6 है। फिर आप लिख देना मैन कैसे कमाता है, वो मैन कैसे अर्न करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 8 मार्क्स, 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें क्या बताया गया है, इसको क्वेश्चन बनता है कि महाभारत को क्रिटिकल एडिशन क्यों कहा जाता है। तो आप क्रिटिकल एडिशन में तो आप वो पॉइंट लिख दोगे जो हमने वी सुक्तनकर का पहले पार्ट में पढ़ा है। अब इससे क्वेश्चन बनेगा कि महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है, डायनेमिक टेक्स्ट। तो उसके लिए पॉइंट्स हैं, पहला लैंग्वेज संस्कृत में लिखी गई है, वेद व्यास ने लिखा है। इसमें क्या है, सिंपल है, किससे, वेदों की संस्कृत से सिंपल है। इस तरह से संस्कृत में लिखी गई है, प्राकृत में भी लिखी गई है, पाली में लिखी गई है, तमिल में भी लिखी गई है। दूसरा है ऑथर्स, ऑथर जो मेन माना जाता है, कहा जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत लिखी है, पर कुछ लोग कुछ चीजें मानते हैं कि सुत यानी जो रथ चलाते हैं, आप बताइए सुत पुत्र कौन था महाभारत में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सुत पुत्र किसे कहा जाता है। जो सुत थे यहाँ पे कृष्ण सारथी होते थे, उन्होंने क्योंकि ब्राह्मण तो कोई लड़ाई के टाइम गया नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई को क्षत्रिय करता है, तो उस समय ब्राह्मणों से सुत यानी जो सारथी थे उनको ज्यादा स्टोरी बताओगी, कौन मरा, कैसे मरा, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, तो ये कहा गया। लेकिन कुछ कहते हैं 5th सेंचुरी BC में ब्राह्मण से ये बुक लिखी फॉर दे, क्योंकि आप 5th सेंचुरी की जो रियल महाभारत है तो उसमें आप ब्राह्मणों को इतना फेमस नहीं पाओगे, लेकिन जो 6th सेंचुरी महाभारत लिखी गई है उसमें आप हर जगह के ब्राह्मण होगा तभी सब कुछ संभव होगा, ऐसा लिखा गया है। तीसरा है प्लेसेस, आप देखोगे जो 5th सेंचुरी में ही क्या होता है, जो 5th सेंचुरी थी उसमें क्या होता है, कुरु पांचाल, कुरु थे हस्तिनापुर के पास और पांचाल थे जहां से द्रौपदी आई है, वो एमर्ज होते हैं एज अ 16 महाजनपद के अनुसार। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि कृष्ण भक्ति स्टार्ट होती है 200 BC से। तो आप देखिए महाभारत में कृष्ण भक्ति, कृष्ण के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है, तो कृष्ण भक्ति स्टार्ट होती है इसी पीरियड में, तो कृष्ण का भी उसी समय भक्ति स्टार्ट होती है जिससे महाभारत का स्टार्टिंग होता है। इसका आपको 2 बोर्ड हेड में बांटा गया है, नैरेटिव और डिडैक्टिक। डिडैक्टिक होता है नॉलेज देना, नॉलेज कौन देता है महाभारत में, गीता, और नैरेटिव यानी जो नरेशन करता है, जैसे महाभारत कब स्टार्ट हुई है, किसके कितने पुत्र होते हैं, किसका किसने कब अटैक किया, तो होता है नैरेटिव डिडैक्टिक होता है नॉलेज देना, जैसे मनुस्मृति इसमें ऐड की गई थी महाभारत में बाद में, और सेम टू सेम इसमें ये आप ये गीता भी ऐड की गई थी। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैं यहाँ पे नहीं बता लिख नहीं पाया, और हाँ एक ये देखिए 1 मार्क्स का इम्पोर्टेंट है कि जो इसको ये पर्शियन में लिखी गई महाभारत, इसे कहते हैं हम रज्मनामा, रज्मनामा कहते हैं जो पर्शियन में महाभारत, जिसे रज्मनामा कहते हैं, इसका मतलब होता है अ बुक ऑफ वॉर। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैं लिखना नहीं लिख पाया, वो इम्पोर्टेंट है कि आपने सुना होगा आज भी हस्तिनापुर है, ये जो मैं बता रहा हूँ 8 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है और 3 मार्क्स के लिए भी
इम्पोर्टेंट है, जो आज भी सुनते हस्तिनापुर है, तो क्या वही हस्तिनापुर है जो हमने महाभारत में पढ़ा है? तो उसकी खोज में 1951 और 52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, तो वो वहां पे गए उसको खोजने के लिए। तो उन्होंने ये सोचा कि जो गंगा नदी के ऊपर जो कुरु किंगडम बसा हुआ था, क्या वही हस्तिनापुर है या नहीं है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। तो उन्हें खुदाई स्टार्ट करवाई थी, एक्सरसाइज स्टार्ट किया था 1951 से 52 के बीच में। तो उन्हें कुछ वो लेयर्स फाइंड की थी, लेयर्स थी, एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ। कुछ लेयर्स फाइंड की थी, उस लेयर्स में हमें यह पता चलता है, पांच प्रकार की लेयर्स फाइंड की थी उन्होंने। ये लेयर्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, ये जमीन मान लीजिए, जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन है इधर से। तो जमीन के पांच लेयर थे, एक दो तीन, ये चार और ये पांचवा। तो इस पांच में अलग हमें अलग अलग मिले हैं। तो जो हमारी इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है सेकंड और थर्ड, यानी ये वाला और ये वाला इंटरेस्टिंग, अभी हम यही पढ़ेंगे। इनके बारे में हो सकता है हम कॉलेज लाइफ में पढ़े या कहीं और पढ़े, लेकिन हम हमारी एन जगह से इन दो या तीन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें का इसमें क्या क्या इसमें उन्होंने ये कहा है कि बीबी लाल ने, जैसे महाभारत में आप पढ़ते हो कि पूरा प्लान था, पूरे प्लान महल थे, लाक्षाग्रह थे बड़े बड़े, लेकिन वो हमें ऐसा प्लान सिटी अभी नहीं मिली है। हमें एक वॉल मिली है बड़ी सी, उस वॉल में पूरा मड ब्रिक का यूज हुआ है, लेकिन हमें जो मतलब महाभारत में ऐसा लिखा गया था वैसे नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे हमें बर्तन मिले हैं, स्टेंसिल्स यूटेंसिल्स मिले हैं, वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें जब हमने कार्बन आइडेंटिफाई किया तो ये बताते हैं महाभारतकालीन है, ये बताया गया कि महाभारतकालीन ऐसे बने थे। इसमें हम यही ये तीन मास के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और है डायनेमिक टेक्स्ट के लिए क्वेश्चन बनता है कि द्रौपदी की मैरिज से क्वेश्चन बनता है, द्रौपदी की मैरिज को किन किन दो कारणों से प्रूफ किया गया कि उसकी मैरिज सही है, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा पोली एंट्री पोलीगैमी नहीं हो सकती। तो किन दो टर्म के अनुसार बताइए सही है। पहला है कि वेदव्यास, पहला पहली तो ये बात होती है जब पांचों द्रौपदी की अर्जुन से शादी होती है, तो पांचों पांडव अपनी मदर के पास जाते हैं, कुंती उनकी मदर होती है, तो कुंती से ये कहते हैं कि कुंती बिना देखे ये कह देते हैं कि पांचों बांट लो। तो बाद में पांचों की शादी हो जाती है, एक पॉइंट ये बताया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया जाता है कि वेदव्यास जी ने कहा था कि द्रौपदी अपने पहले लाइफ में वुमन थी जिन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा, पति वरदान मांगा, वो पति एक बार नहीं पांच बार पति निकल गया, तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे दिया कि उनकी पति पांच पति से शादी होगी। नेक्स्ट टॉपिक ये बताया जाता है कि जो पांडव वो इंद्र के अवतार हैं और द्रौपदी इंद्र की वाइफ का अवतार है, तो इसलिए उनकी मैरिज हुई पांच पांडवों से। तो ऐसे ये एक ही स्टोरी को अलग अलग तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, एक ही स्टोरी है लेकिन पूरी इंडिया में इसे अलग तरीके से बताया गया है। तो ये था हमारा टॉपिक महाभारत के ऊपर, तो हम यहीं पे खत्म करते हैं। डाउट तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।